गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण उसके विचारों से होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक लोगों के पास नकारात्मक विचार नहीं होते हैं, वो बस उन विचारों को बढ़ने नहीं देते हैं और शुरू में ही नष्ट कर देते हैं। तो आप भी नकारात्मकता को नष्ट कर सिर्फ सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सफलता आपको मिलेगी, खुशियां आपको जरूर मिलेगी। चलिए इसी विचार के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका आज का राशिफल। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज 10 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और सोमवार का दिन है। साथ ही आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि सोमवार शाम 4:15 तक रहेगी। 10 जून को शाम 4:49 तक ध्रुव योग रहेगा। वहीं रात 9:41 तक पुष्य नक्षत्र है। इसके अलावा आज वैनायक की गणेश चतुर्थी व्रत भी है। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपका दिन बहुत अधिक अच्छा रह सकता है। आज नौकरी में मान सम्मान बढ़ने के भी योग हैं। स्वास्थ्य भी आज आपका साथ देगा। व्यापारी वर्ग की अगर बात करें तो अगर कहीं पर धन निवेश करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। बस पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए आज आप नई तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो ये हंसी की चमक से उछला दिन है, जब ज्यादातर चीजें आपके मन के मुताबिक ही होंगी। आर्थिक जीवन की स्थिति आज हालांकि अच्छी नहीं रहेगी। आज आपको बचत करने में मुश्किलें आ सकती हैं। आज किसी की बातों में आकर किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा ना करें। धैर्य से काम करने में आपको तरक्की मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा। व्यापार में भी लाभ के योग हैं। मिथुन राशि के लोगों की बात की जाए तो नौकरी पेशा लोगों का आज दफ्तर में काम पर ध्यान कम रहेगा। मानसिक तौर पर थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। घर वालों से किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है। व्यापार में सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से अगर आप करते हैं तब जाकर आपको सफलता मिल पाएगी। जो लोग अब तक सिंगल हैं, आज हो सकता है कि उनकी मुलाकात किसी खास से हो जाए, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले ये जरूर जान ले कि कहीं वो शख्स किसी के साथ रिश्ते में ना हो। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो जेवर और एंटीक में निवेश आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा, समृद्धि लेकर आएगा। अपनी बातों पर काबू रखें क्योंकि इसके चलते आज हो सकता है कि बड़े बुजुर्ग आपसे आहत हो जाएं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। नौकरी करने वाले जातकों की बात की जाए तो आपको नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं, जिससे आपका मन आज खुश रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको किसी कारण बहुत अधिक थकान महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि नौबत डॉक्टर के पास जाने की भी आ जाए, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। सिंह राशि के लोगों की बात की जाए तो आज आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी को महसूस करेंगे। समय और धन की कद्र आपको करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आप जीतोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल करने में हालांकि आज कामयाब भी होंगे। स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा है तो उसमें और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए बिल्कुल भी यहां पर लापरवाही ना बरतें। हालांकि धन संपत्ति से जुड़े हुए मामलों को लेकर आज आपका दिन अच्छा है।
कन्या राशि के लोगों की बात करें तो देखिए, नौकरी पेशा लोग अपने दफ्तर में अपने कार्यों को छोड़कर दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी ना करें तो आपके लिए बेहतर है, वरना आपको आपके सहयोगियों से ही डांट पड़ सकती है, जिसके कारण आपका बहुत अधिक मन परेशान हो सकता है। सेहत का भी आज आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। मनोस्थिति ठीक करने के लिए योगासन या फिर मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं। आज किसी भी प्रकार का धन उधार लेने से बचे, नहीं तो उस पैसे को वापस करने में आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है आज आपके परिवार में भी मनमुटाव हो जाए। इसलिए लहजा बस आपको नरम रखना है, कभी भी तैश में आकर बात ना करें। तुला राशि के लोगों की बात की जाए तो आज फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन और उत्साह दिखाएं। हालांकि जीवन साथी के रिश्तेदारों का दखल वैवाहिक जीवन का संतुलन थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम कीजिए तो आपको उन्नति जरूर मिलेगी और आपके अधिकारी आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अपने स्वास्थ्य को और अधिक अगर आप तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो यही सलाह देंगे हम आपको कि संतुलित भोजन कीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वृश्चिक राशि के लोगों की बात करें तो रोजमर्रा की गतिविधियों में गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ लोगों को आज धन हानि भी हो सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात धन संपत्ति से जुड़े हुए मामलों पर आज बरते। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह देना भी आपके लिए बहुत अहम है। आज के दिन कार्यालय की अगर हम बात करें तो माहौल आपका बढ़िया बना रहेगा। सफर के लिए हालांकि आज आपका दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। नौकरी के संबंध में किसी प्रकार का कोई फैसला अगर आपको लेना ही है तो भावुकता में आकर कोई फैसला ना लें, बल्कि प्रैक्टिकल होकर सोचें और फिर ही कोई फैसला लें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आज आपका बेहतर रहेगा। धनु राशि के लोगों की बात की जाए तो आप भावनात्मक तौर पर बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे हालात से बचें जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। जीवन साथी की खराब तबीयत के कारण आज आपका धन खर्च हो सकता है और प्रेम में धोखा मिलने की भी संभावना बन रही है। आज के दिन आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। और बात करें आपकी नौकरी की तो नौकरी पेशा लोगों को आज अपने दफ्तर में किसी तरह के बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। वेतन में बढ़ोतरी के भी योग हैं। साथ ही हम आपको ये भी कहेंगे कि सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आपका बना बनाया काम खराब हो जाए। मकर राशि के लोगों की बात की जाए तो तनाव को नजरअंदाज ना करें, हो सके तो आज के दिन भूलकर भी किसी को भी पैसे उधार ना दें और अगर देना जरूरी हो तो देने से पहले लिखित में ले लें कि वो आपको आपके पैसे लौटाएगा कब। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मगर आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, नहीं तो इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इस तरह की संभावना बन रही है। साथ ही आपको खर्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना ही होगा, वरना आने वाले समय में आपकी जो आर्थिक सेहत है वो बिगड़ सकती है। कुंभ राशि के लोगों की बात कर ली जाए तो दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में अपने कामों को बहुत अधिक महत्व आप आज देते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके अधिकारी आपसे खुश भी होंगे, मगर पुराने कामों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। सेहत के प्रति भी आज आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। लापरवाही ना करें, नहीं तो स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो सकता है। व्यापार की बात करें तो आज लापरवाही व्यापारी भी ना करें तो बेहतर है, वरना लापरवाही आपके लिए आने वाले समय में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। मीन राशि के लोगों की बात करें तो सेहत अच्छी रहेगी। सिर्फ अकलमंदी से किया गया निवेश ही आज आपके लिए फलदायी होगा, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को कहीं पर भी सोच समझ कर ही लगाएं। परेशानी की बात करें तो आज आपकी परेशानी उस वक्त बढ़ सकती है जब कहीं ना कहीं लोग आपकी बातों को नहीं समझेंगे। शायद उन्हें लगता है कि
इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, मगर आप अपने आप को भावनात्मक तौर पर कमजोर पाएंगे। आज अनुभवी लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है, जीवन जीने के प्रति उनकी किस तरह की सोच है। पैसा, प्यार, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु से भी मिलने जा सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश अगर आप करेंगे तो आज का ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा खास हो सकता है। तो ये था आज का राशिफल। इसी के साथ कामना करते हैं कि आपका आज का दिन मंगलमय होगा। नमस्कार।